नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में राजस्थान जी की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक फ्रेंड्स आप पूरा देखना, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं आप कमेंट करके आप जरूर बताया करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा एक नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर का निर्माण महारावल पृथ्वी की राठौड़ रानी अनूप कुंवरी द्वारा 1799 में करवाया गया था। चार चार ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, सूर्य मंदिर, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर या फिर बिलेश्वर महादेव का मंदिर। कौन सा राइट रहेगा वो आपको बताना है, जल्दी जल्दी बताना। मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा, तो इसका सही आंसर रहेगा सी, लक्ष्मी नारायण मंदिर। जी हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपका ही समय बचेगा, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। महाराजा जयसिंह ने अलवर में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की यात्रा के लिए 1902 में कौन सा महल बनवाया था। श्री का पैलेस, होप्सरगस सिलिसेट महल या फिर विनय विलास महल। कौन सा राइट रहेगा इसके अंदर, श्रीस का महल, सॉरी श्रीस का पैलेस, ए ऑप्शन। फ्रेंड्स ए ऑप्शन अपना इसमें राइट है। नेक्स्ट, यदुवंशी राजपूतों द्वारा बनवाया गया केसरोली किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है। फ्रेंड्स अलवर, अजमेर, कोटा, भीलवाड़ा। जल्दी जल्दी बताएं, आपको इतना समय मिल रहा है कि आप ऑप्शन बता सके। तो राइट आंसर बिल्कुल सही आप लोगों का ए, अलवर, ए ऑप्शन अपना इसमें राइट है तीन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध बाहनगढ़ निर्माण किसने करवाया था। प्रसिद्ध भूतिया किले के रूप में प्रसिद्ध बाहनगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था, जयसिंह, जगत सिंह, मानसी या फिर माधव सिंह। किसने फ्रेंड्स, माधव सिंह। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन अपना इसमें राइट है। नेक्स्ट, अलवर में स्थित किस नदी पर महाराजा जयसिंह ने जिले के सबसे बड़े बांध जैसमन बांध का निर्माण करवाया था, वो आपको बताना है। सोतानाला, रूपारेल, काली या फिर चूड़सीत। क्या राइट रहेगा इसका आंसर, जल्दी बताएं, रूपारेल, बी ऑप्शन। फ्रेंड्स बी ऑप्शन अपना इसमें राइट है। नेक्स्ट, नारायणी माता का स्थल किस जिले में है। नारायणी माता का स्थल है किस जिले में फ्रेंड्स, अलवर, झुंझुनू, भरतपुर, सवाई माधोपुर। तो किस में फ्रेंड्स, ये अलवर में है, ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन छः में अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुरुष खेताराम जी महाराज द्वारा निर्मित ब्रह्मा जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है। बायतु, आसुतरा, चौहटन या फिर धोरीमना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो क्या रहेगा इसका सही आंसर, जी हाँ राइट आप लोगों का आसोत्रा, बी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें सात के अंदर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, औरंगजेब ने अपने भाई द्वारा सिखों को अलवर में किस जिले में कैद कर रखा था, वो आपको बताना। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिखों को अलवर जिले के किस जिले किले में कैद करके रखा था। सिलिसेट, कांगनबाड़ी, पांडुपोल या फिर पुरजन विहार। क्या राइट रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, तो जी हाँ कांगनबाड़ी, बी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, किस स्थल पर आहड़कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस स्थल पर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, तो किस स्थल पर, दुगेरी व रेलावन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन नौ के अंदर अपना राइट है। नेक्स्ट, सावन भादो महल किस दुर्ग में स्थित है। विलासगढ़ 12, शाहबाद दुर्ग, शेरगढ़ दुर्ग या फिर नाहरगढ़ दुर्ग। 12, चारों 12 के हैं, तो कौन सा राइट रहेगा वो आपको बताना है। तो राइट रहेगा शाहबाद दुर्ग 12, बी ऑप्शन फ्रेंड्स, बी ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा 10 के अंदर। 11 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक नाम बाबा की दरगाह किस दुर्ग में अवस्थित है। शाहबाद, शेरगढ़, नाहरगढ़ या फिर कांकनबाड़ी। तो क्या रहेगा राइट इसका आंसर, नाहरगढ़ दुर्ग में नेक नाम बाबा की दरगाह स्थित है, सी ऑप्शन। 11 में सी ऑप्शन अपना राइट है। नेक्स्ट, कपिल धारा तीर्थ कहाँ स्थित है। कपिल धारा कहाँ स्थित है फ्रेंड्स, कपिल धारा तीर्थ कहाँ स्थित है, मंडोर, किशनगंज, मांडलगढ़ या फिर धोरीमना। तो कहाँ है ये, किशनगंज 12 में स्थित है, बी ऑप्शन फ्रेंड्स, बी ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, मूर्ति शिल्प के लिए विख्यात काकुनी मंदिर समूह किस जिले में है। करौली, बाड़मेर, बारा, गंगानगर। तो किस जिले में फ्रेंड्स ये राइट, 12, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन 13 में राइट है। 14 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स, श्री रणछोड़ राय जी का मंदिर बाड़मेर में कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। शिवाना, खेड़, तिलवाड़ा, धोरीमना। वेरी इंपॉर्टेंट, तो कहाँ है फ्रेंड्स ये, खेड़ में, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन अपना इसमें 14 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाड़मेर के शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, वो आपको बताना है। शिवाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था,
मल्लराज वीर नारायण सूरजमल जयसिंह परमार, किसने करवाया था फ्रेंड्स? ये वीर नारायण ने करवाया था, ठीक है। बी ऑप्शन फ्रेंड्स, बी ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आपसे भी इतनी रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे प्लीज़ यहाँ पे लाइक जरूर किया करो, इसे शेयर किया करो और चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर करो, जिससे आपके जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जाट रियासत जिसकी स्थापना जाट सरदार चूड़ामन ने थुन में दुर्ग बनाकर की थी, वो आपको बताना है भरतपुर, अजमेर, धौलपुर, अलवर, कहाँ की थी वो? तो वो की थी फ्रेंड्स भरतपुर में, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना इसमें 16 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, कामा भरतपुर में वैष्णो के कौन कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है? गोगा जी, चंद्र प्रभु जी, कृष्ण चंद्र जी या फिर गोकुल चंद्र? तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? गोकुल चंद्र जी। जी हाँ फ्रेंड्स, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन अपना इसमें राइट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, भरतपुर का कौन सा कस्बा भव्य जल महलों के लिए प्रसिद्ध है? आपको पता है वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट हो चुका है, डिंग कामा वेर रूपवास, तो इसमें राइट रहेगा अपना डी, ठीक है, ए ऑप्शन फ्रेंड्स, ए ऑप्शन अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 19 नंबर क्वेश्चन, 96-5 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए 14 रेल कर्मचारियों की स्मृति में निर्मित गडरा का शहीद स्मारक राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, पाली, सिरोही, बीकानेर? क्या राइट रहेगा इसका सही आंसर? बाड़मेर फ्रेंड्स, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन अपना इसमें 19 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, रूठी रानी का महल किसे कहते हैं? रूठी रानी का महल किसे कहते हैं? हवा महल, मेहरानगढ़, तारागढ़ या फिर धोड़ का यशोदा देव की पट? तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? रूठी रानी का महल किसे कहते हैं? धोड़ का यशोदा देव की पट, भीलवाड़ा, डी ऑप्शन फ्रेंड्स। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट 21, विंध्यावाली किस कस्बे का प्राचीन नाम है? विंध्यावाली किस कस्बे का प्राचीन नाम है? मांडल, बिजोलिया, हमीरगढ़ या फिर शाहपुरा? वेरी इंपॉर्टेंट 21, क्या रहेगा इसका सही आंसर फ्रेंड्स जल्दी बताएं? तो इसका रहेगा बिजोलिया, बी ऑप्शन फ्रेंड्स। जी हाँ, बी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 21 के अंदर। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भरतपुर में अनगिनत कबरगाहें किस कस्बे के पास है? डी वेर कामा बयाना, जल्दी बताना। तो इसका सही आंसर रहेगा बयाना, डी ऑप्शन फ्रेंड्स, डी ऑप्शन अपना इसमें 22 में राइट हो जाएगा, ठीक है। 23, किस मंदिर में महिषासुरमर्दिनी की 18 भुजा वाली मूर्ति राव बीकानेर जोधपुर से यहाँ लाकर स्थापित की थी, वो आपको बताना है जल्दी से। क्या इसका सही आंसर रहेगा? नागणी जी का मंदिर, सुसानी देवी का मंदिर, अंधा देवी का मंदिर या चतुर्भुज का मंदिर? तो क्या रहेगा इसका सही आंसर? ए ऑप्शन फ्रेंड, नागणी जी माता का मंदिर है, ठीक है, ए ऑप्शन अपना इसमें 23 में राइट हो जाएगा। 24, राजस्थान में कौन सा मंदिर चूहों के लिए प्रसिद्ध? आपको पता है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? जी हाँ, करणी माता जी का मंदिर देशनोक, ठीक है, ध्यान रखना आपको, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना इसमें 24 में राइट हो जाएगा। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में प्राचीन मंदाकिनी प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? मांडल, शाहपुरा, जहाजपुरा, बिजोलिया? 24 फ्रेंड्स, क्या रहेगा इसका सही आंसर? है बिजोलिया, 24 में डी ऑप्शन फ्रेंड्स अपना इसमें राइट हो जाएगा फ्रेंड्स। और उस क्वेश्चन का आपको रूठी रानी वाला आपको कमेंट करके बताना, लाइव क्लास में नहीं फ्रेंड्स, ऑफलाइन कमेंट करके आपको मुझे बताना, मैं आपको कमेंट में इसका सही जवाब बता दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ा बहुत अच्छा लगे लाइक जरूर करना, और 25 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, जिससे पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे जिससे आप शेयर तो जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सामने के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्लास आए आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स किसी अन्य टॉपिक पे और किसी अन्य वैकेंसी पे अगर आपको वीडियो चाहिए फ्रेंड्स, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।